अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं एबटाबाद में उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे उसामा बिन लादेन का कंपाउंड था और जहाँ पे 2013 में ऑपरेशन हुआ था। सो ये आप देख रहे हैं, ये बाहर छोटी सी एक दीवार है, सामने ये प्लॉट है, एक्चुअली ये कंपाउंड है पूरा, ये बड़ा कंपाउंड है और इसके अंदर ये मैं आपको इसका एक्सटर्नल दिखा रहा हूँ। ये बाहर गली जा रही है, ये स्ट्रीट है सामने और ये है, ये प्लॉट की एक्चुअल बाउंड्री है, जो छोटी दीवार आप देख रहे हैं ये वाली, ये आप बिल्कुल आप एक्सटर्नल देख रहे हैं उसामा बिन लादेन के कंपाउंड का। ये जो दीवार है इसके अंदर आप ये जो सारा घास भरा है ये सारा, और ये जो सामने एग्जैक्ट जगह देख रहे हैं, ये जगह बिल्डिंग थी जिसको डिस्ट्रॉय किया गया और जहाँ पे क्लेम है कि वहाँ पे उसामा बिन लादेन रहते थे। सो ये जगह अब ये देखें, इसके बाहर पूरा, इस बिल्डिंग के बाहर भी, मतलब ये प्लॉट के अंदर एक बिल्डिंग है, एक कमरा या इस तरह से आप देख लें, अभी ये इस कंडीशन में है। और मैं आपको इसके प्लॉट के अंदर भी लेके जाता हूँ, सारा आपको डिटेल से दिखाता हूँ। सो ये थी एग्जैक्ट जगह जिसको डिस्ट्रॉय किया गया। सो यहाँ पे पहले एक बिल्डिंग थी और मैं आप इसको प्लॉट के, मैं आप प्लॉट के अंदर आपको लेके जा रहा हूँ। और ये है प्लॉट की एंट्रेंस, और मज़े की बात, क्योंकि ऑपरेशन के बाद इस जगह को, अब ये कब से खाली पड़ी है, तो इस जगह को कोई क्लेम भी नहीं कर रहा, क्योंकि अगर कोई क्लेम करेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सो मैं अब आपको प्लॉट के अंदर लेके आया हूँ, ये देखें, ये है प्लॉट सारा। एक बड़ा प्लॉट था, तकरीबन दो से तीन कनाल का, कम से कम दो कनाल तो है। इस जगह पर तो रोशनी कम है थोड़ी। सो ये है, और ये सारा, अब वो जो गाड़ी मूव कर रही है, कार जा रही है, ये बाहर से जा रही है प्लॉट के बाहर से। सो ये सारी इसकी बाउंड्री है, और ये प्लॉट 2021 में इस कंडीशन में है। ये देख रहे हैं आप, और एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, मतलब आबादी है, आप आसपास देख रहे हैं, मस्जिद भी है, घर भी हैं। आज से 7-8 साल पहले तो खैर आबादी कम होगी, लेकिन फिर भी एक पॉपुलेटेड एरिया में, ये देखें आप, मैं अब आपको उस जगह पे एग्जैक्ट लेके जाता हूँ, जो बिल्डिंग, जो कि क्लेम था कि यहाँ पे उसामा बिन लादेन रह रहे थे, और ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को फिर डिस्ट्रॉय किया गया। ये देखें, ये अभी पानी है अंदर, तो मैं आपको इसके, सो ये थी एग्जैक्ट जगह जहाँ पे क्लेम था कि जो है ना बिल्डिंग थी, और इस जगह पे बिल्डिंग थी और यहाँ पे उसामा बिन लादेन रहते थे। यहाँ पे डबल स्टोरी बिल्डिंग थी, एग्जैक्ट इस जगह पे। ये देखें, अब तो ये सारा कुछ इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, ख़त्म कर दिया सारा कुछ, लेकिन ये यहाँ पे कमरे होंगे या जो भी होगा यहाँ पे, ये देखें, वो एक थोड़ी सी पक्की जगह है, और फिर ये भी यहाँ पे, ये पक्की जगह है थोड़ी सी, उसके सामने देख रहे हैं आप, और ये देखें, अब यहाँ पे बिल्डिंग थी, यहाँ पे, और सामने गली है, ये देखें, ये देखें, अगर इसके जो नक्शा यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अब ये देखें, ये दरमियान में रास्ता है,
और इसके दोनों साइड पे कमरे लग रहे हैं, ठीक है। कमरे, एक ये कमरा हो सकता है और दूसरा ये कमरा हो सकता है उससे आगे वाला, और ये रास्ता हो सकता है। ये देखें आप, अगर अब मैं यहाँ पे एक बिल्कुल जिस तरह से वो देखें, अब ऐसे लग रहा है यहाँ पे दीवार, मतलब दीवार की बुनियाद थी। सो मुझे यहाँ से टोटल यहाँ पे 5 कमरे एक्सपेक्ट प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पे 4 से 5 कमरे होंगे। एक ये देखें, और ये दरमियान का रास्ता है सारा, ये सारा रास्ता है दरमियान का, ये उधर को जा रहा है, वो एक सामने कमरा हो सकता है, और ये देखें ये फिर थोड़ा रास्ता बीच में ये गैप, ये एक कमरा हो सकता है, और ये कमरा मैं आपको दिखा चुका हूँ। फिर ये भी आप ये देखें, अब ये ईंटें लगी हैं, तो ये लगता है कि यहाँ पे भी मतलब ये दीवार की बुनियाद है, और यहाँ पे सो ये सारा इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया गया, और बाकी ये 2 से 3 कनाल का प्लॉट है, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। मीन्स आप देख रहे हैं सारा घास है, और वो एक पक्का रास्ता दरमियान में है, और बाकी जो प्लॉट पड़ा है बाकी में अच्छा, मैं आपको एक और चीज़, ये प्लॉट के अंदर, प्लॉट के आगे थोड़ी पक्की जगह, और ये जगह यहाँ पे ये पक्की जगह मिलती है, बस इसके अलावा बाकी प्लॉट में कुछ भी पक्का नहीं है। सो ये था सारा प्लॉट से रिलेटेड, अब यहाँ पे भी आप सारा देख सकते हैं, वही जो चीज़ें मैं आपको कमरे दिखा चुका हूँ तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सो ये था सारा उसामा बिन लादेन का कंपाउंड, जो एक कहते हैं अब इसमें डिबेट हो सकती है, और बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं क्योंकि इस जगह को अभी तक क्लेम किसी ने नहीं किया कि वो उस जगह का मालिक सामने अभी तक कोई नहीं आया। ये एक बड़ी एक सरप्राइजिंगली मेरी बात है कि 2 से 3 कनाल का एक आबादी के अंदर प्लॉट पड़ा है और उसको अभी तक ओन कोई नहीं कर रहा। तो ये था, मैं आपको प्लॉट से बाहर लेके जाता हूँ। अब मैं तकरीबन अब आपको एग्जिट के सामने खड़ा हूँ। अब राइट साइड पे वो जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन देखा है, तो जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है वो है राइट साइड पे, और यहाँ सामने आप इसका एग्ज़िट देख रहे हैं, इंट्री और एग्ज़िट गेट, और ये एक थोड़ी पक्की जगह है, यहाँ तक ये देख रहे हैं आप, यहाँ तक ये पक्की जगह है। तो वहाँ से जब आप सामने इंटर होते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पे वो, जब आप प्लॉट के अंदर इंटर होते हैं तो आपके लेफ़्ट साइड पे वो आपको बिल्डिंग जो थी वो आपको नज़र आएगी, और बाकी सिर्फ अभी यहाँ पे घास है और आसपास घर है। और मैं आपको थोड़ा बाहर का आइडिया भी दे देता हूँ जो आपको मैंने पहले भी दिया है। ये देखें यहाँ पे पानी खड़ा है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये अब इसकी इंट्री या एग्जिट का गेट है, मीन रास्ता है, और ये आप देख सकते हैं बाहर की गली, ये है बाहर, और ये अंदर जाने का रास्ता। सो ये था, आज मैंने आपको उसामा बिन लादेन का कंपाउंड विज़िट करवाया है। तो इस तरह मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इसी तरह मैं आपको चीज़ें जगह विज़िट करवाता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। से थोड़ा दूर आया हूँ,
अब ये सराउंडिंग की जो आबादी है आप उसको ज़्यादा आइडिया आप ले सकते हैं। ये है सराउंडिंग की आबादी, खेत वगैरह पास, और ये आप यहाँ से थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, उस एरिया का आइडिया ले सकते हैं आप। सो ये और यही सामने गली है, इसके लेफ्ट साइड पे वो कंपाउंड मैं आपको दिखा रहा था। सो ये है इसका साइड की जो आपकी जो सराउंडिंग में जो पॉपुलेशन है उसका कितनी कंसंट्रेशन भरा, और सामने ये है जी।